सो अच्छा भाई इनके सारे होप्स एक्सरे बड़े होंगे ना बता देते हैं बढ़िया। सो फाइनल आज के ब्लॉग एक और एक्शन से अवसर आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अपकमिंग कोलैबोरेशंस इन नेपॉप। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको बनाया गया मेरे भाई सुगम ने, तो जाके इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड देखो भाई इसकी वीडियोस बहुत ही आजकल डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली अपने को प्रेडिक्शंस मिलने वाले, ठीक है, जो भी कोलैबोरेशंस आने वाली है एंड या जिनका अनाउंसमेंट हो चुका है कभी आई नहीं, तो भाई अपने को बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली, तो वीडियो भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो और मजे करो क्योंकि भाई अपनी जो ना हिपहॉप की जनता को क्या चाहिए, एक डिस चाहिए, एक कोलैबोरेशन चाहिए, अपन सब लेके आ रहे। ठीक है, तो तुमको मजा तो आने ही वाला है, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ठीक है, 25K के अपन बहुत करीब है तो वो भी करा दो एंड या अभी के लिए बात ही बंद करते हैं एंड फॉर नाउ लेट्स गेट इन। आ जाओ भाई। हेलो व्यूअर्स, व्हाट्स अप, इट्स अ बॉय सुगम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आजको यो नया भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई म स्वागत गर्दछु। टुडेस टॉपिक गोना बी अपॉन The collaborations that are about to happen in Nepali hip hop. So आउने दिन यस सर, इसमें international artists भी होने वाले भाई, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ भाई, आ जाओ। हरु मैं जाती पुनी collaborations नेपाली hip hop में आउने चा, हमें इसको बारे में कुरा करने चाहूँ। So today's video is gonna be interesting. So you already know what to do. यदि तो पहचान में नया उन चा वन चैनल है सब्सक्राइब कर दीनू ला, र वीडियो मन परे में लाइक र कमेंट भी कर सकूँ चा। Okay. So before going to the video, watch the song of the day. Shout out to Salim bhai, inke gaana bhi jaake check kar lena and for now seedha video pe hum ghuste hain. If you love the song, you can go and check him out. Link is in description. Let's go. So moving on, let's talk about the topic, the collaboration that are about to happen in near future. हामीले धेरै समयदेखि सुन्दै आएका थियौँ कि नेपाली ऱ्यापर युनिक पोइट र इन्डियन ऱ्यापर भोइटको कोलाबोरेसन आउँदैछ भनेर, तर त्यो कोलाबोरेसन अहिलेसम्म आएको छैन। आजभन्दा 9 महिना अगाडि युनिक पोइटले इन्स्टाग्राम लाइभमा आएर यो कुराको खुलासा गरेका थिए कि भोइटसँग उनको कोलाबोरेसन छिटै नै आउँदैछ भनेर। एक्ज्याक्टली, लेट मी टेल यू भाई, इसका शायद से शूट भी चालू हो चुका था, वर्ल्ड की मैंने स्टोरीज देखी थी एंड यू नो बहुत ही अच्छा सेट तैयार किया गया था, बट यू नो अब तक आया नहीं है, मे बी कोविड की वजह से डिले हो रहा है एनीथिंग, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट वेरी सून भाई, लेट्स गो। थिए कि भोइडसँग उनको कोलाबोरेसन छिटै नै आउँदैछ भनेर। भोइड भन्ने एउटा इन्डियन ऱ्यापरसँग आउँदैछ मेरो। युनिक पोइटले यो कुरा भनेको 9 महिना बितिसक्यो, तर पनि अहिलेसम्म युनिक पोइट र भोइडको कोलाबोरेसन भने आएको छैन। बट ठीक है यार, मतलब यू नो लेट तो पता है मेरे को हुआ है, बट यू नो अगर तुमको याद हो तो EPRX जब यू नो यूनिक पोइट आया था वो कितना लेजेंडरी सॉन्ग था, उसमें कितने यू नो सिनेमैटिक टेक्स अच्छे से लिए गए थे, तो यू नो भाई टाइम लगता है, बट जो भी आएगा यू नो इंडिया एक्स नेपाल भाई बहुत जबर आएगा भाई, लेट्स गो। बितिसक्यो तर पनि अहिलेसम्म युनिक पोइट र भोइडको कोलाबोरेसन भने आएको छैन। तर रिसेंटली जब युनिक पोइटले इन्स्टाग्राममा Q&A गरेका थिए, तब उनले यस विषयमा थोरै कुरा गरेका छन्। प्रश्नमा युनिकलाई कसैले उनको भोइडसँग कोलाबोरेसन कहिले आउँछ भनेर सोधेको थियो, र रिप्लाई दिँदै उनले भनेका छन् कि चाँडै नै आउँदैछ, केही साधारण समस्याले गर्दाखेरि रोकेको, तर चाँडै नै आउँदैछ। सो आर यु गाइज एक्साइटेड टु सी दिस इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन? म त धेरै नै एक्साइटेड छु। सो मुभिङ अन, लेट्स टक अबाउट द कोलाबोरेसन बिट्विन साकार एके लिल बुद्ध एन्ड एस्टिम्यान। रिसेंटली एस्टिम्यानले भाई, एस्टिमेन भाई इनका इतना ज्यादा मैंने नाम सुना है, मूसे को चोरा शायद से गाना इनका बहुत पॉपुलर हुआ था ब्रो, साकर एक्स एस्टिमेन भाई, ये इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था ब्रो, बट भाई ये डोप होगा जब भी आएगा। साकार एके लिल बुद्ध एंड एस्टिमेन। रिसेंटली एस्टिम्यानले फेसबुकमा एउटा भिडियो सेयर गर्दै यो कोलाबोरेसनलाई कन्फर्म गरेका छन्। सो एस्टिम्यानले सेयर गरेको त्यो सानो क्लिप तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। Young villain is 2022, live with an XST man, never hot rap style. It's official bhai, exclusive clips bhi apne ko dekhne ko mil gayi hai yahan pe, let's go. मैले त यो कोलाबोरेसनको बारेमा सो नाउ आई एम रियली एक्साइटेड टु सी दिस प्रोजेक्ट। सो मुभिङ अन, अब हामी जुन कोलाबोरेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो सुनेर तपाईँहरूलाई विश्वास पनि नलाग्न सक्छ, तर यो कोलाबोरेसनको ठुलो पोसिबिलिटी छ। फर्स्ट अफ अल, एमयुए बन्टाईले आजभन्दा 8-9 महिना अगाडि स्टोरी हालेको यो भिडियो हेर्नुहोस्।
दिस विल बी फॉर शो भाई, दिस विल बी फॉर शो आउट वेरी सून, ठीक है। चलो मेरे को लगता है भाई अभी यू नो इसके अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गई थी, बट मेन थिंग यहाँ पे क्या आती है पता है, देखो एमवीए बंटा का ये सीन पक्का होता है कि कभी भी उसने जो भी बोला कभी मिस नहीं किया, ये भाई तुम लिखवा लो मुझसे, ठीक है। वो बीफ हो गई तो अलग सीन हो जाता है, वो रफ्तार के साथ बीफ हो गई थी तो वो कोलैबोरेशन एक कैंसिल हुआ आज तक, बट उसने जितना भी चीज़ें बोली है भाई मेरे को पक्का है वो चीज़ें आती है, मतलब आती है, ठीक है। वो कभी अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करता है, बट मेन चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि यू नो अभी जो 22 का जो उसने सीन किया है, यू नो 22 को अनाउंसमेंट किया था एंड 8 मार्च को उसकी एल्बम या ईपी आने वाली है, तो मे बी उसमें अपने को कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है क्योंकि वो लेवल अप ईपी है, उसमें वो म्यूजिक वीडियोस लेके आ रहा है, उसी की वजह से उसने थोड़े महीनों से ब्रेक लिया हुआ था, तो ना मे बी वी कैन एक्सपेक्ट भाई, ठीक है। 5:55 एमवीए बंटा है 8 मार्च के बाद कभी भी, लेट्स गो। एमवीए बंटाईले आजभन्दा 8 महिना अगाडि स्टोरी हालेको यो भिडियो हेर्नुस्। सो तपाईँहरूले यो एमयुए बन्टाईको 9 महिना अगाडिको स्टोरीको क्लिप हेर्नु नि होला, उनी 5:55 बुढी गीतमा भाइब गर्दै आएगा आएगा भन्दै थिए, जुनको मतलब कोल्याब पनि आउन सक्छ। यति मात्रै नभएर केही समयपछि उनले यो स्टोरी पनि राखेका थिए। एमयुए बन्टाईले ग्रेट थिङ्स कमिङ भनेर तल 5:55 PM लेखेको पिक्चर हाल्नुभएको छ, सो मेबी कोल्याबोरेसनको हिन्ट हुन सक्छ यो। तर यो स्टोरीहरू राखेको त थुप्रो टाइम भइसक्यो तर अहिलेसम्म कोल्याब भने आएको छैन, आशा राखौँ आउने दिनहरूमा एमयुए बन्टाई र 5:55 कोल्याब पक्कै पनि हामी देख्न पाउनेछौँ। अब कुरा गरौँ नवाज अन्सारी र युनिक पोइटको कोल्याबोरेसनको बारेमा। नवाज अन्सारीले उनको गीत साम्राज्यमा भनेका थिए कि 2021 युनिक पोइटसँग उनको भव्य आउँदैछ। नवाजले भन्न त भने तर 2021 उनीहरूको बीच कोलाबोरेसन आउन सकेन। सो 2022 फर्स्ट मन्थमा नवाज अन्सारी, ब्रिक्स टिमोस, इज इज इजी र युनिक पोइटको एउटा कोलाबोरेसन त आयो, तर त्यो कोलाबोरेसनमा उनले भनेका छन् कि दिस इज नट द वान, यो त यत्तिकै जिस्क्या, मतलब उनीहरू बीच ओरिजिनल कोलाबोरेसन आउने बाँकी छ। Let's go 2021 sokyo to koi ta aena bobbe na this is not the one you the etiquette just kya kalo thonda pure in exactly main na ye cheez notice hi nahi ki kabhi bhai, मतलब अभी कोलैबोरेशन आना बाकी ऑफिशियल वाला भाई, यार वो जो पहले आया था इसके पहले वो भी बहुत डोप था यार। 2021 सोक्यो तो कोई ता आया ना बॉबी ना दिस इज नॉट द वन यू द एथिकल चीज क्या कालो ठंडा पूरे इंडस्ट्री लाइक। सो सुन्नु भयो होला नवाज अन्सारी र युनिक पुटको अर्को भव्य कोलैबोरेसन त आउन नै बाकी छ, सो लेट्स होप उनीहरुको कोलैबोरेसन चाँडै आउँछ। सो बेस्ट अफ लक टु नवाज अन्सारी एन्ड युनिक पोइट। सो मुभिङ अन, अब कुरा गरौँ कोलैबोरेसन बिटवीन माइला एन्ड जिबब। सो रिसेंटली टेबल टॉक जस्तो एउटा सानो ये चीज अपने अभी कोई रिसेंटली वीडियो में देखी भी थी, दोस्त बन गए दोनों, मतलब दोस्त थे कभी भी बैटल था नहीं, बैटल सिर्फ ANTF तक था, बट यू नो ये वाला जो कोलैबोरेशन आना है वो अभी बाकी है भाई। ओ यार दिस विल बी यार दिस विल टेक ओवर द इंडस्ट्री, मतलब बस खत्म भाई, इंडस्ट्री वाले सोच रहे होंगे भाई क्या चल रहा है ये अंडरग्राउंड में यार, हमने कभी इसके तो नोटिस क्यों नहीं किया ब्रो। अब कुरा गरौँ कोलैबोरेशन बिटवीन माइला एन्ड जिबब। सो रिसेन्टली टेबल टक जस्तो एउटा सानो भिडियोमा जिबबले माइला र उनको बिचमा कोल्याब आउँदैछ भनेर एनाउन्स गरेका छन्। सो त्यो भिडियोको सानो क्लिप हेर्नु होला। सो सुन्नु नै होला कि जिबबले कोल्याब आउँदैछ है कोल्याब आउँदैछ है भन्दै थिए, सो लेट्स होप उनीहरूको बिचमा चाँडै नै एउटा कोल्याब आउनेछ। सो मलाई थाहा भएको कोल्याबोरेसनहरूको बारे त यति नै थियो। सो तपाईँहरूलाई योभन्दा पनि धेरै कोल्याबोरेसनको बारेमा थाहा छ भने प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला। सो इफ यु हेभ नट सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड स्टिल वाचिङ दिस भिडियो वाट यु लुकिङ फर जस्ट सब्सक्राइब द च्यानल इट्स फ्री। सो यु गाइज क्यान फलो मी अन इन्स्टाग्राम एन्ड लाइक माई फेसबुक पेज। ओके भाई
प्रमोशन तो करते जा रहे हो तुम पर नाइस भाई, नाइस यार, इनका कंटेंट भाई मेरे को बहुत सही लगता है, जाके इसको सब्सक्राइब करो भाई को, ठीक है। एंड ना ऐसा टाइप का कंटेंट मेरे को नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा बना रहा है इतना डीप रिसर्च करके, मेरी तरफ से भाई लाइक बनता है पहले तो, ठीक है। एंड यस सो भाई, तुमको क्या लगा भाई इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी टू, ठीक है। ड्रॉप योर सजेशंस भाई, और कौन से टॉपिक तुमको चाहिए ब्रो, मेरे को ये सब टॉपिक्स कवर करने में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यू नो अब तक जो चीज़ें होती जा रही है वो तो चलो सब कवर करने मैं भी कवर कर रहा हूँ, बट यू नो जो आगे की चीज़ है, यू नो जो फ्यूचरिस्टिक माइंड के साथ चलना है वो भी अपने कवर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट मन में चल रहे, ठीक है, वो भी हम लोग बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, तो जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। दिस मंथ विल बी डोप। बाकी यस, बाकी यू नो मेरे को और भी सजेशन तुम अपने तरफ से दे सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, साइड में होगा, ठीक है। एंड आई एम वेटिंग फॉर द कोलैबोरेशंस टू हैपन, ठीक है, जब भी होंगे वी आर हियर, ठीक है, टू रिएक्ट ऑन देम। बाकी या फॉर नाउ द वीडियो इज ओवर, मिलते तुमसे किसी और अच्छी रिएक्शन, तब तक स्टे सेफ एंड मस्ट, एंड टाटा, लेट्स गो। गिव मी इनसाइड अ पॉकेट ऑफ योर रिप जींस, holding me close until the ice meet.